अरे सुमित भैया, तुम तो एक नंबर के पागल हो। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, जो मैं तेरे को बीच पर लेके जाऊँ, इसलिए मैं दूर आ गया बीच से। ये भी बीच ही है, थोड़ा छोटा पर बीच तो है ना। अरे सुमित भैया, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मस्त नहाएंगे। अबे मस्त नहाएंगे क्या, यहाँ पर तो दीदी नहीं है ना एक भी तेरी। हाँ सुमित भैया सही बोले, यहाँ पर तो एक भी दीदी नहीं है, बेकार जी का है, वापिस बीच पर चलो। अभी तो कह रहा बड़े मस्त जगह पर लेके आए, अब कह रहा बेकार जी का है। हाँ सुमित भैया, ओ तेरी अस्तसी, अब ये क्या आया आगे एकदम। अरे मैं डूब गया सुमित भैया, उठाओ मेरे को पानी में से। अब उठ लेना, तैरना नहीं आता क्या तेरे को। अरे यार शिट 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 शिट, अरे अपनी स्कूटी बंद पड़ गई यार, मेरी ये इलेक्ट्रिक स्कूटी थी बंद ही पड़ गई है पानी के अंदर जाकर। अरे सुन रहे, तुम देख के नहीं चला सकते क्या? भाई मेरी गलती थोड़ी है इसके अंदर, रुक जाए पर अपनी स्कूटी को बाहर निकालता हूँ यार, ये पानी के अंदर डूब कर खराब हो गई यार, अभी खरीदी थी 10-12 दिन पहले, मेरी नई नई स्कूटी खराब हो गई। अरे सुमित भैया, अब घर कैसे जाएंगे? भाई मुझे नहीं पता अब घर कैसे जाएंगे यार, इतनी दूर आए थे घर से हम लोग। अरे सुमित भैया, तुम तो सही पागल हो यार, एक नंबर के गोबर खा लो कहीं जाकर। अबे मेरी गलती नहीं है इसके अंदर, ठीक है, फिर किसकी गलती है? भाई एक चीज सामने अड़ी थी आकर, हाँ इसकी गलती है, ये कब्र की गलती है। अबे किसकी कब्र है, बाहर निकल, कौन है भूतनी का? अम्बे तो यार मेरे सामने आ गया एकदम। अरे सुमित भैया, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सुमित भैया ये कौन है? अबे ये सब क्या है? अरे यार इसके अंदर तो एक आदमी खड़ा है। अबे ये कौन है? भाई साहब आपकी वजह से मेरी स्कूटी खराब हो गई। वो बेटा तेरा शुक्रिया, तूने मुझे आजाद कर दिया। अरे सुमित भैया किसका पाद कर दिया? अब वो आजाद बोल रहे हैं, आप कहाँ पर कैद थे? वो बेटा किसी ने मेरे को इस कब्र के अंदर बंद करके समुन्द्र के अंदर फेंक दिया था, और ये समुन्द्र के किनारे पर आ गई कब्र, तूने मेरे को आजाद कर दिया। बाबा वो तो ठीक है, पर आपने मेरी स्कूटी खराब कर दी यार। ओ बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे को 3 विशेष देता हूँ, देरी बटा क्या मांगता है तू। ओए गाइस यार देख रहे हो, इन्होंने एक विश से मुझे ये गाड़ी दे दी, लैम्बोर्गिनी शियोन। अरे समझे ये तो कमाल की गाड़ी है। अरे पापा के पास चलता हूँ जल्दी से, 2 विशेष और मांग सकता हूँ। अरे पापा पापा मैं चाहता हूँ मैं दुनिया का सबसे करोड़पति आदमी बन जाऊँ। ओ बेटा ऐसी बात है, तो मैं तेरे को ऐसा वरदान देता हूँ, तू जो भी गाड़ी के अंदर बैठेगा वो गाड़ी सोने की हो जाएगी। ओ बेटा अब मेरा भी भला कर दे, तेरी एक विश और बाकी है, मेरे को आजाद कर दे। हाँ सुमित भैया बेचारे बाबा को आजाद कर दो। ठीक है बाबा, मेरी आखिरी विश ये है कि आप इस कब्र से आजाद हो जाए। अरे सुमित भैया बाबा आजाद हो गए। ओ बेटा शुक्रिया, ओ भगवान तेरा भला करे, बालक तूने मुझे उस जादुई कब्र से आजाद कर दिया, अब मैं हमेशा तेरा कर्जदार रहूंगा। बेटा तू जा ऐश ले, अब तू जो भी गाड़ी में बैठेगा वो सोने की हो जाएगी। अरे सुमित भैया बाबा गायब हो गए, क्या बोल रहे हैं? हाँ सुमित भैया, ओ गाइस यार बाबा कहाँ गायब हो गए? अरे चलो ना छोड़ो यार बाबा की ऐसी तैसी, गाड़ी देखो हमारे पास कितनी खतरनाक है। ओ भाई यार गाड़ी देख रहे हो तुम्हारे भाई की? ओ ये ओए गाइस देख रहे हो, जैसी मैं गाड़ी के अंदर बैठा ये गाड़ी गोल्ड की हो गई। अरे सुमित भैया बाबा ने जो बोला था वो तो सच हो गया। ओ सिंचैन सही है ना, आप लोग यहाँ पर आए? अरे सुमित भैया बहुत ज्यादा सही है जो हम लोग यहाँ पर आए। देख रहे हो यार कितनी ज्यादा ओसम गाड़ी है यार, तुम मानोगे नहीं, इस गाड़ी की कीमत कम से कम $30 मिलियन है, $30 मिलियन, और सोचो ऊपर से गोल्ड की है तो इसकी कीमत होगी लगभग $200 मिलियन। अरे सुमित यार करोड़ में बताओ कितने करोड़ होते हैं, मिलियन समझ नहीं आता ना मेरे को। अब 200 मिलियन हो गया, 1 मिलियन में 26 करोड़ होते हैं, तो 200 × 26 कर दो, जितना आंसर आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो, तुम्हारे भाई की मैथ अच्छी नहीं है ना। अरे सुमित भैया ये कहां पर जा रहे हैं हम लोग? अबे सिंचैन ये गाड़ी को बेचने जा रहा हूं मैं। हां क्यों क्या हो गया? अरे सुमित क्यों बेच रहे हो इसको? अब और गाड़ी खरीद लेंगे ना। तो गाइस यार यहां पर देख रहे हो ना, ये कंपनी का मालिक है और मुझे पता है इसको यार गाड़ियों को बहुत तगड़ा वाला चस्का है, ये मेरी गाड़ी देख के पक्का इसको खरीदने के लिए आएगा। अरे सुमित भैया तुम्हारे अंदर दिमाग है? अबे सिंचैन मैं नहीं चाहता कि अपने पास पैसे ना रहे, गाड़ी को थोड़ी खाएंगे अपा लोग। हाँ सुन के पैसों को भी नहीं खाएंगे अपा, तो खाना खाएंगे ना। अरे क्या गाड़ी है रे, मेरे बॉडीगार्ड जाके पूछ कितने में देगा ये गाड़ी, मेरे को ये गाड़ी मांगता, मेरे पास एक भी ऐसी गाड़ी नहीं है, अपन को ऐसी गाड़ी चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए, जितना पैसा मांगे उस पे मुंह पे फेंक के मारना। ठीक है बॉस जैसा आप कह रहे हो, अभी जाकर पूछता हूँ कितने की गाड़ी है इसकी। ओए हेलो बनियान वाले भैया। हाँ भाई साहब क्या हो गया? अरे हमारे बॉस को आपकी गाड़ी पसंद आ गई है, कितनों में दोगे इस गाड़ी को? अरे बिकाऊ नहीं है। अबे नहीं बच्चा बकवास कर रहे हैं, हाँ बेचने के लिए लाया हूँ मैं यहाँ पर। बताओ कितने की दोगे? इस गाड़ी की कीमत है पूरे $300 मिलियन। अरे इतना ज्यादा, पागल हो क्या, $300 मिलियन का क्या इस गाड़ी में? पर भाई गोल्ड कार है, पूरी पूरी प्योर गोल्ड की बनवा रखी है हमने, ठीक है ना। अरे सर गोल्ड कार आपके पास कहाँ से आई, पूछ के आता हूँ जाकर। अरे सर ये बोल रहा कि ये $300 मिलियन की गाड़ी है और प्योर गोल्ड की है। क्या प्योर गोल्ड की गाड़ी है? हाँ सर,
ले लो जाकर। ओ ठीक है भाई साहब, हमारे सर खरीद रहे से 300 मिलियन में। आपका अकाउंट नंबर दे दीजिए, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका परिवहन कार्ड और सब कुछ दे दीजिए। ओके तो गाइस यार गाड़ी हो चुकी है यहाँ पर हमारी सेल, हमने अपनी गाड़ी को यहाँ पर बेच दिया है। ओ बल्ले बल्ले शाबा शाबा। अरे सुमित भैया पानी पिवाते कावा कावा। लो सर आपकी गाड़ी। अरे सुमित भैया गाड़ी बिक गई, अब क्या करने वाले हो? अबे सबसे पहले तो यार मैं गाड़ी ऑर्डर करूंगा ना पागल, गाड़ी बिक गई तो नई गाड़ी ऑर्डर करेंगे ना। हाँ सुमित भैया 300 मिलियन डॉलर सोच के भी मेरे पेट में गुलगुली हो रही है। अब बहुत ज्यादा होते भाई 300 मिलियन डॉलर सही। अरे वो तो ठीक है, तुम फोन में क्या कीड़ा कर रहे हो? अब फोन में कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं कर रहा, मैं गाड़ी ऑर्डर कर रहा हूँ। क्या सुमित भैया गाड़ी अच्छी सी करना, महंगी वाली? हाँ अच्छी गाड़ी करूंगा। फिर सुमित मिलेगी कहाँ पर? ये अपने घर पर डिलीवर होगी क्या? अपने पास कोई घर ही नहीं है तो घर पर डिलीवरी कैसे होगी? अमेज़न वाले थोड़ी है ये। अरे तुम तो बहुत मस्त वाली गाड़ी ऑर्डर करना, कुछ तगड़ी सी, मजा आ जाए देख के, ऐसा पेट में गुलगुला हो जाए। रुक जा, सबसे महंगी वाली गाड़ी करूंगा ऑर्डर कुछ ऐसी। अरे तुम तो ये तो बताओ आएगी कहाँ पर ये? अबे वो साइमन की दुकान है ना, अरे वो टकले की, हाँ हाँ उसकी दुकान पे आ जाएगी ये गाड़ियाँ। अरे सुमित भैया खोल ली क्या तुमने? खोली नहीं, खरीद ली। हाँ सुमित खरीद ली क्या? भाई खरीद तो ली, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अरे सुमित भैया पैसे नहीं है क्या अकाउंट में? भाई पता नहीं शायद कोई सर्वर इश्यू, गाड़ी तो नहीं खरीद पाया मैं। फिर एक काम करो सुमित भैया जल्दी जाओ दुकान पर, आज आ जा, पैदल ही जाना पड़ेगा यार हमको। अरे क्यों टैक्सी लेके चल दो यार, अब पैसों की वैसे कोई कमी नहीं है पर मैं टैक्सी में जाना प्रेफर नहीं करता ना, तो जल्दी से आ जाओ चलते साइमन की दुकान पे, थोड़ी सी दूर है यहाँ से। अरे अरे सुमित भैया इतनी तेज में मत भागो यार, पड़ गए ना मुंह के बल। अरे सुमित वो ऐसे नहीं है। फिर कैसे है? अरे सुमित ये देखो यहाँ पर तो फॉर्च्यूनर है। अब फॉर्च्यूनर पे नियत खराब रहेगी तेरी। अरे अरे भिखारी क्या कर रहा है यहाँ पर तू? अबे ओए गाड़ी खरीदने आया हूँ यहाँ पर मैं। अरे कैसी गाड़ी चाहिए तेरे को? तेरे पास सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? और मैंने एक ऑर्डर की है गाड़ी, वो फेल्ड हो रही क्यों हो रही है? अरे मेरे पास कुरियर में नहीं आती आजकल गाड़ियाँ। अच्छा नहीं आती तो इनमें से कोई एक गाड़ी लेके जा रहा हूँ मैं। अरे पैसे, पैसे की क्या बात है, मैं सारी गाड़ी खरीद रहा हूँ जितनी तेरे पास है, पैसे वाली बात तो करी मत आजकल मेरे आग, मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ। अरे यार तू तो भिखारी था, तू अमीर कैसे हो गया? अबे वो तू छोड़, तेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए और ये 3 गाड़ियों को भी खरीद लिया और आने वाली 5 गाड़ियों को भी खरीद लिया। अरे यार तब पैसा। अबे और मैं ये मर्सिडीज लेके जा रहा हूँ आज सिंचन। ओ माय गॉड गाइस देख रहे हो मर्सिडीज भी गोल्ड की हो गई। अरे अरे मेरी गाड़ी वापस दे, सोने की गाड़ी ले गया मेरी। अरे तू जान है कहाँ का लकड़ बग्गा है यार, मैंने की है सोने की गाड़ी, उसकी थोड़ी है। ओ भाई यार क्या शाइन मार रही है, शाइन करते हैं हम। अरे सुमित भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने ये ट्रोला क्यों खरीदा है? सिंचन मुझे याद है वो पल जब मैं गरीब था और यार इतने सारे गरीब लोगों को खाने के लिए टाइम पर रोटी नहीं है, तो यार मैं नहीं चाहता कि यार जैसा मेरे साथ होता था इन लोगों के साथ हो, इसलिए मैं इनके लिए बहुत सारी चिप्स, कुरकरे, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक और बहुत चीज खाने के लेके आया हूँ। अरे सुमित भैया तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो। ओ बेटा तुम्हारा शुक्रिया, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, हमने काफी दिनों से खाना नहीं खाया। अरे बाबा कोई बात नहीं, आप मेरे पापा समान हो, लो आपके लिए मैं सारा खाना लेके आया हूँ और सभी लोग खा लेना ठीक है। आपका शुक्रिया मेहरबान भैया, शुक्रिया आपको। अरे कोई बात नहीं, शुक्रिया वुक्रिया मत करो यार, मेरा काम है यार ये, तो मैं डेली आऊंगा ठीक है, ओके बाय। अरे सिंधिया तुम तो बहुत अच्छे आदमी सही। अबे मैं जन्म जात अच्छा आदमी, वो तो तूने मुझे बुरा बना रखा है। हाँ मैंने ही बुरा बना रखा है, बकवास कर रहे हो यहाँ पर, मुंह पे पात दिया ना तो घूम जाओगे यहीं से। ओ अरे सुमित भी एक बात बताओ, पूछ, ये 4 छल्ले वाली गाड़ी तो एक नंबर की लग रही है, इसका पता है क्या नाम है? क्या नाम है? ओडी। क्या कौन हुआ कोडी? अबे ओडी भैरे भेंड। अरे सुमित भी ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरे को शर्म नहीं आती तुम्हें अपने छोटे भाई से ऐसे बोलते हुए? अबे तू छोटे भाई थोड़ी यार मेरा, तू मेरा बाप बनना चाह रहा है यार, इतना ज्यादा जो बोलता है तू। अरे सुन भैया ये कहाँ पर लेके आ गए, किसकी दुकान में घुसा लाए? अबे किसी की दुकान दुकान नहीं है ये, फिर क्या है ये? अपना नया शोरूम है क्या सुमित भैया? शोरूम? हाँ शोरूम, सही सुन रहा है तू, यहाँ पर आप गाड़ियाँ बेचेंगे, कपड़े बेचेंगे, जूते बेचेंगे और लोगों को भी बेचेंगे। ओए पागल है क्या, यहाँ पर कोई मैं वो मानव तस्करी का थोड़ी काम कर रहा हूँ। अरे सुन ये क्या है? अबे ये लिफ्ट है, अब देख गाड़ी ऊपर चली जाएगी। क्या गाड़ी की लिफ्ट, पागल हो क्या? अबे भाई पैसों की कमी थोड़ी है यार, गाड़ियों के लिए लिफ्ट बनवा रखी हमने। अरे पागल सुमित भैया ऊपर क्यों लेके आ गए गाड़ी, यहाँ पर नीचे लेगी। अबे मैं कहीं भी घुसा सकता हूँ गाड़ी, भाई ड्राइवर रूम है खतरनाक वाला, तू मेरे को ऐसे ही समझ रहा आएगा। अरे सुमित भैया ये कौन बैठा है अंदर? पता नहीं शायद कस्टमर्स आए होंगे। ओए कौन है तू?
यहाँ भी बैठे हैं। अरे यार पता नहीं, बैठने रहने दे यार, अपने घर का जा रहा है क्या कुछ? अरे सुन जा यार, काफी मस्त घर है, शोरूम है ये। अरे सुन जा, घर भी तो है अपना फिर। अब घर अपा और कोई खरीद लेंगे यार, पर ठीक है यार, घर भी बना लेंगे उसको। ओए विंडो 10 क्यों डाल रखी, 11 का जमाना है, 11 डालो इनके अंदर। अरे समझ भैया, चिल्लाओ मत यार, कानों में सब आ जाती है तुम्हारी पार पार। अच्छा तू जब बोलता जब तो जाती नहीं है। सुमित भाई डोंट अंडरस्टेट मी, अंडर एस्टिमेट होता है वो बहरे। अरे सुन जा बहरा नहीं हूँ मैं, एक बार बोल दिया ना जब। देखिए यहाँ शोम्पी भाई की भी 40 लग रही है। अरे सुन जा 40 नहीं, फोटो। हाँ जो भी है। अरे वैसे शोम्पी भाई कौन है? अबे ये असल में बहुत खतरनाक वाले गाने बजाने वाले है। अरे सुन पे इनको भैया में बुलाने, अपने नाचेंगे कूदेंगे पंजाबी गानों पे। अबे पागल इंग्लिश गाने गाते हैं। अरे सुन पे फिर काहे के शोम्पी भाई गाने जब हिंदी में नहीं गाएंगे तो? अबे तू छोड़ यार, तू सब बकवास ही करने अलग बात है सही में। तो गाइस यार इतने सारे कंप्यूटर देख देख के दिमाग चकरा गया। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूल बैठ के आए तो यार से सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे उसको नए गेम प्ले। जब तक के लिए गुड सायोनारा।